खुशी क्या हुआ आपको? खुशी क्या हुआ? खुशी बोलो कुछ। खुशी बोल रही है कि पापा मत जाओ अभी, और दिन हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, काफी अच्छा लगता है आपके साथ, जिद भी काफी करती है खुशी। और अच्छा लगता है ना खुशी, देखो कितनी खुश है, लेकिन क्या करना, जाना तो पड़ेगा ही। अभी कल की मेरी फ्लाइट है तो दिल लग गया था खुशी के साथ थोड़ा, क्योंकि अभी ये थोड़ी हरकतें भी इतनी प्यारी प्यारी करने लग पड़ी है, तो आप देखते देख भी सकते होगे कि कितनी प्यारी हरकतें करती है। और इसके बाल हमने जब से कटवाए हैं ना तो और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। तो चलो यही सरप्राइज, तो बताना कि आपको कैसे लगा मेरा हेयर कट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, वैसे थोड़ा गला खराब है, खांसी है। मत ये जो है आज है 25, इन्होंने बता दिया होगा, और कल है 26, और ये कल जा रहे हैं। फ्लाइट तो इनकी 1 बजे की है, बट यहाँ लेकिन इधर से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, लेट होगा। सो गाइज, ये ब्लॉग काफी लेट होगा क्योंकि अभी पिछले काफी लेट जा रहे हैं, बीमार थी बहुत और खुशी बहुत बीमार थी, तो उस चलते थोड़ा लेट हो गए, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी तो थोड़ा हो गया। और कोशिश करूंगी कि कंटिन्यू रहे, सपोर्ट करते रहिएगा। कैमरा आपका हिल जा रहा है बार 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 बार, मेरा कैमरा मैन थोड़ा सही नहीं है। और क्या बोलूं मैं अभी, अगर अच्छा उधर देखोगे आप, उस साइड देखोगे नजर तो पड़ेगी। अच्छा तो अगर वहाँ पे कोई और फैमिली रहती होगी तो उसने शिकायत कर दी कि अरे भाई ये लड़की, ये बंदा कौन है, लेकिन एक फिर भी वो बोलेगी हाय अननोन बंदा है हमारे इधर रूम के साइड नजर रखता है। फिर बेटा बैंगल नहीं खोलते, खुशी आ जाती थी पापा के पास में। हाँ। वो पापा ये देखो ये क्या कर रही है, मेरी बैंगल्स बोलती है उतार दो। एक हाथ की तो उतार ही ली है, इसकी तो उतार ही ली है। देखो बेटा अच्छे लग रहे हैं पापा? पापा अच्छे लग रहे हैं खुशी। खुशी गौर से देख रही है कि पापा अच्छे हाँ। लग रहे हैं खुशी, अच्छे लग रहे हैं। ये कौन है, ये शख्स कौन है, ये आपको यहाँ पे कल नहीं मिलेंगे, फोन पे मिलेंगे। आप पापा से वीडियो कॉल पे बात करोगे? बताओ आप पापा से वीडियो कॉल पे बात करोगे? जरा ध्यान से बताना, खुशी सोच के बताओ, टाइम है आपके पास अब, मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छा वीडियो कॉल पे बात करोगे मेरे साथ है? अभी नहीं, जब मैं जाऊंगा। मेरी बात सुनो खुशी, एक मिनट काम है बहुत जरूरी, मेरी बात सुन पहले, कल मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा। पता है ये अब इसके मुंह में कोई उंगली दे दे गलती से भी तो खुशी काट देती है इसकी उंगली को, है ना खुशी? और मैडम जी अच्छा मेरे सही रहे। तो गाइस मेरा हेयर स्टाइल जरूर बताइएगा, बड़े दिक्कतों से मतलब गुजरी हूँ मैं। क्योंकि मनाने में बड़ा टाइम चल गया कि कटवा लूं, फाइनली कल मतलब 24 को इन्होंने मुझे बताया कि हाँ कर ले, जितने छोटे करने हैं तो कर ले। मुझे लगा थोड़ा गुस्सा होंगे, बट नहीं, बोलते अच्छे लग रहे हैं, और न्यू लुक भी अपनानी चाहिए, बताना जरूर। और बस अभी तो ऐसे एक्साइटेड लग रही हूँ, ऐसा खुश लग रही हूँ, पर कल का सोच, इतने आज इतने सपने आए मुझे कि क्या बताऊं कि ये चले जाएंगे ऐसे, पता नहीं क्या क्या। और या बस यही था, और हेयर कट का ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि खुशी ने इतना तंग करके रखा था, बट मैंने पठानकोट में करवाए लैक्मी सैलून में, और इसकी हरकतें चेंज होती जा रही है। और ये अपने पापा से इतनी घुल मिल गई, अभी पापा जी अलग अलग ही स्टाइल में बोलती है ये, पापा जी कहाँ है, पापा जी कहाँ है पापा। हाँ
First round they converse to UK 612. Our request is to remain on board in your assigned seat. This aircraft will come to Delhi up. बाहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है. अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं. सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अभी कुछ टाइम तक अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें. ऊपर बने सामान का स्टोर सावधानी से खोलें. सभी यात्री हमारे साथ यूके 161 पे सिडनी जा रहे हैं. उनसे निवेदन है कि वे अपने स्थान पर ही बैठे रहें. हमारे विमान कुछ समय में दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा. हम आशा करते हैं कैसे हो आप सब. आज है नेक्स्ट डे मतलब 26 नवंबर. तो मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है. मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इतनी धीरे बोल रही हूँ या मेरी आवाज़ मुझे तक है, कुछ ऐसा फील हो रहा है. तो वीडियो शूट नहीं कर पाई. पिछली रात मेरे लिए काफ़ी बुरी थी. बुरी मतलब क्या बताऊँ अब. जैसे कि अभी मैं लेटी हूँ क्योंकि मैंने मेडिसिन खाई है, नोज में नोजल डाली है और कानों में कुछ सुना नहीं दे रहा है. तो ये चले गए हैं. रात को इसलिए भी दुख हो रहा था क्योंकि ये जा रहे हैं. और रात को मैं बहुत 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 ज़्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि मेरे कान में ब्लीडिंग हो रही थी. बुरी हालत थी और अभी भी पेन हो रहा है. बीच बीच में जैसे मैं कुछ हरकत कर रही हूँ, कुछ चबा रही हूँ, तो मेरे को बहुत पेन हो रहा है. और आज हॉस्पिटल गई थी, इनके साथ ही चली गई थी. इनको ये पास में भैया छोड़ने गए थे इनको, और उनके साथ ही गई, उनके साथ ही वापस आ गई. काफ़ी अच्छे हैं, थैंक गॉड, उन्होंने बहुत हेल्प की. और पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट मैं बोल रही हूँ. तो बहुत मिस कर रही हूँ अभी उनकी फ्लाइट. ऐसे होते हैं ना, बैंड बाजे बज रहे हैं मेरे कान में, ऐसे तड़क तड़क तड़क, और फिर जैसे पानी चल रहा है वैसा फील हो रहा है सर करके. और क्या, हाँ ये चले गए हैं. अभी एक 55 पे इनकी फ्लाइट है, तो पहुँच चुके हैं ये. और बस ऐसी गई रात, पूरी रात जा के निकाली और खुशी सोई है, उठने वाली है शायद. फिर से सो गए. तो ना ब्लॉग कर पाए, ना कुछ ऐसे टाटा बाय बाय किया. और चलो उनको जाना तो था ही. और बस इसका राइट ईयर में इतना पेन है, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी रात को. मैं तो डर गई थी, मैंने सोचा मैंने अब मुझे सुनाई नहीं देता कुछ भी. तो बहुत कुछ बोल रहे थे, हंसी भी आए और रोना भी. बहुत रोई थी रात को. और क्या बताऊँ, जो नोज़ में डाली ना, वो इस डॉक्टर ने पता क्या बताया, अभी मैं बताऊँ आपको. ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है. सब कुछ शादी के बाद ही हो रहा है भाई. ऐसे तो बिल्कुल फिट थी, पता क्या है. और क्या हुआ, डॉक्टर ने बताया जो कि मैं पहले बीमार थी, जैसे आपको पता ही होगा, वो कांगड़ा फोर्ट वाला देखा होगा. उससे पहले भी मेरे को फीवर था, जुकाम था, कोल्ड था, मतलब इतना ज़्यादा कोल्ड था. और मैंने मेडिसिन खाई थी, फ़र्क ही नहीं पड़ा. जो मैं खाती हूँ मुझे पता नहीं क्यों उसी से फ़र्क पड़ता, और मैं ले नहीं पाई क्योंकि मायके जा नहीं पाई. तो फिर रह गया वो. तो अभी सोच रही हूँ मैं जाऊँगी स्पेशली मेडिसिन के लिए, क्योंकि खुशी को इंजेक्शन भी लगना है दिसंबर में. तो हाँ, डेढ़ साल का इसको इंजेक्शन लगेगा. तो जाऊँगी वहाँ पे. तो फिर सोचा है कि स्पेशली मायके जाऊँगी और मेडिसिन ले आऊँगी मैं. तो एक साथ ही इकट्ठी करके ले आऊँगी मैं, क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है. मुझे पता नहीं क्यों, क्या होगा मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आता. तो डॉक्टर ने ये बताया कि जो मुझे कोल्ड हुआ है वो आपके कानों में चला गया है, ऐसा बोला था उन्होंने. मैं और जो दोनों जो पर्दे हैं कान के, फर 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 हो रहा है. जो कान के पर्दे है ना, वो क्या है कि उसको मतलब वो स्वेलिंग, वो सूज गया, वो स्वेलिंग हो गई उनमें, और इसलिए ब्लीडिंग हो रही थी कान में. और
उन्होंने बोला कि आपको ड्रॉप्स नहीं डालनी चाहिए थी, एयर ड्रॉप्स नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मेडिसिन दी है उन्होंने मुझे और टेस्ट करवाया तो एक इस कान में सुनाई नहीं दे रहा, बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो ये वाला ठीक है, बट हाँ स्वेलिंग इसमें भी है। और उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है, पर्दे में कोई सुराख नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है और टेंशन नहीं लेने का। बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे वो और काफ़ी बहुत काइंड हार्ट वाले थे, बहुत प्यारे, मतलब प्यार से बात कर रहे थे। और कई होते खड़ूस से डॉक्टर वैसे नहीं थे, वो प्यार से बात कर रहे थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कैमरे की साइड देखना है कि स्क्रीन पे, मैं मोस्टली स्क्रीन पे देखती हूँ तो ये आँख मेरी ना छोटी लगती है मुझे फिर, है ना। तो चलो खैर, वो फिर उन्होंने ये सब बताया। और हॉस्पिटल में आपको बता दूँ, मैं गई थी पटेल चौक, यशपाल डॉक्टर थे शायद, हाँ गुप्ता, यशपाल गुप्ता। और स्पेशली कान नाक और जो गले का, वो उसके डॉक्टर थे वो स्पेशलिस्ट, और काफ़ी अच्छे हैं। और यही तो चाहिए, क्योंकि जो कि एक पेशेंट की हर बात सुनते हैं अच्छे से, वरना कई तो सुनते भी नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है तभी तो मैं हॉस्पिटल और ये बैंक में जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि कई लोग ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसे बात ढंग से नहीं करते। वो बहुत अच्छे थे और काफ़ी अच्छा वो है उनका। तो वहाँ गई थी, अभी मेडिसिन खाई है, सोचा खुशी मैडम सोई है तो मैं भी सो लूँ, इसको चेंज नहीं करवाई क्योंकि वरना उठ जाती है, मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉक कर लूँ। और मैं जिसके पापा को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम दो अकेले रह गए। चलो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय बाय। और हाँ एक और बात, सो गाइस सबसे मिलके रहिए, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ में, ये मैं स्पेशली क्योंकि दुनिया है, दुनिया का नज़रिया है कैसा है, है ना, अपने तरीके से लाइफ जीनी चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लोग तो बातें करेंगे, है ना, कुछ भी हो, किसी से भी रिलेटेड बात हो, अगर आप अच्छा काम करें तब भी लोग बात करेंगे, अगर बुरा करोगे तो भी बात करेंगे। इससे अच्छा है कि उनको उनको जो करना है वो उनको करने दो, आप अपना अपना अच्छा करिए, अपने अपना जो है अपने कर्म करिए। और या अभी इसमें चल रहा है कुछ, कान में सर हो रहा है, बोलने भी नहीं देता, तो मैं ये बोल रही थी हाँ अच्छा करिए, क्योंकि लाइफ का कोई सच में कोई भरोसा नहीं है। मैं इतनी टेंस हो गई थी, ये नहीं है कि जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वही पहले जाएंगे, आजकल छोटों का जो अडल्ट है उनका पता नहीं चल रहा है ना। तो हमारे मेरे मायके साइड में दो, मतलब एक मेरे ताया ही लगते हैं, तो वो नहीं रहे, जब मुझे पता चला तो मुझे इतना, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, मतलब लाइफ का कोई भरोसा नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो इससे अच्छे कि अच्छे से रहो, जैसे भी रह रहे हो अच्छे से रहो, मिलके रहो, है ना। तो हम भी मिलके रहना चाहते हैं, बट पता नहीं क्यों हमारी किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं। अब आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ लोग इसको कैसे लेंगे, कुछ गलत तरीके से लेंगे, क्योंकि समझ किसी की फीलिंग नहीं समझते, तो मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ ये चीज़, मुझे लगा शेयर करनी चाहिए क्योंकि घर घर की बात है ये, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सीरियल बनते हैं वो भी पता नहीं उनको कैसे पता होता कि ऐसे ही होता है। और वो देखिए